करम नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शो है जो मंडे टू फ्राइडे ब्रॉडकास्ट करते हैं, सैटरडे संडे आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। इसी वजह से कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था। इस दिन हिंदी फिल्म संगीत का एक महान संगीतकार इस दुनिया में आया था, कल्याण जी भाई। जी हाँ, कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी भाई का कल बर्थडे था, लेकिन इत्तेफाक से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जश्न तो कभी भी मना लिया जाए। जश्न मनाने के लिए और खुशी का इजहार करने के लिए ना कोई वक्त होता है और ना कोई मौका होता है, ना कोई जगह होती है। जहां मिल जाए चार यार, वहीं गुलजार हो जाता है। कल्याण जी भाई, वापस आकर बताऊंगा कि कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के संगीत के सफर को लेकर कितनी सारी अफवाहें इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं। आज का शो ट्रिब्यूट है, याद है, स्मृतियां हैं ग्रेट माइस्ट्रो कल्याण जी भाई की। कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी भाई 30 जून 1928 को जन्म हुआ था और इनके 5 साल बाद आनंद जी भी दुनिया में आ गए, इनके छोटे भाई। दोनों भाई अपने पिता के साथ एक किराने की दुकान में हाथ बटाते थे। पेशे खिदमत हैं वो कहानियां जो मार्केट में फैली हुई हैं। इनके पिता वीरजी शाह एक किराने की दुकान चलाते थे, उसी पे ये दोनों भाई अपने पिता का हाथ बटाते। इनकी दुकान पर एक उस्ताद जी भी सामान लेने आते और कभी कभी उधार लेके चले जाते थे। एक दिन वीरजी भाई को लगा कि उस्ताद जी उधार हद से ज्यादा ले रहे हैं, तो उन्होंने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी आप जब तक पिछला हिसाब चुकता नहीं करोगे तब तक नया नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा उधार कुछ ज्यादा हो गया है। उस्ताद जी ने अपनी मजबूरी साफ साफ बता दी। उन्होंने कहा कि देखो वीरजी भाई, थोड़ा सा हाथ तंग है, उधारी चुकाना इतना आसान नहीं होगा मेरे पास। वीरजी भाई ने कहा, उधारी तो चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करो। खान साहब ने कहा, अब जब आपने पूछा कि कुछ ना कुछ करो, तो देखिए मेरे पास तो मौसिकी है, मेरे पास तो संगीत है, जो मैं कर सकता हूँ इसी दायरे में कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो आपके किसी काम आ सके तो ले लो। वीरजी शाह के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंद गया। उन्हें लगा कि चलो, जो मैं पूछने जा रहा हूँ, मांगने जा रहा हूँ खान साहब से, भागते चोर की लंगोटी भली। उन्होंने कहा, ये मेरे दोनों बेटे हैं, कल्याण जी और आनंद जी, इन दोनों को संगीत सिखा दो, चेला बना लो। खान साहब ने सोचा, कहले ठीक है, उधार चुकता हो जाएगा। कहले उधार चुकता हो जाएगा। इस तरह वीरजी भाई ने अपने दोनों बेटों को दुकान से उठा लगा दिया उस्ताद जी की शागिर्दी में। दोनों की संगीत तालीम शुरू हो गई। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये मार्केट में फैली हुई कहानियां हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय आनंद जी भाई ने इसका खुलासा किया और ये उस्ताद जी वाली कहानी को बिल्कुल डिनाई कर दिया। हमने उनसे कहा कि आनंद जी भाई, इस तरह की इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये किस्से कहानियाँ हैं कि उस्ताद जी का उधारी बढ़ गई थी और आपके पिताजी ने कहा कि उधारी उतारने के चक्कर में आपकी उधारी बढ़ती चली जा रही है, पैसे दे नहीं रहे हो, तो हमारे दोनों बच्चों को संगीत सिखा दो। आनंद जी भाई ने कहा, आपको क्या लगता है कि संगीत कोई तुअर की दाल की तरह है, कि प्याज है, कांदा है, लहसुन है, कि जिसको आप कुछ पैसों से खरीद सकते हैं? नहीं, संगीत जो है वो ऐसे नहीं सीखा जा सकता। काश पैसों के बदले संगीत सीखा जा सकता तो विश्वास मानिएगा, दुनिया का हर अरबपति महान कलाकार बन गया होता। और हमारे यहां एक कहावत है कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य हर किसी को मिला नहीं करता है। इसलिए आनंद जी भाई ने कहा, मजाक में हमने किसी को एक बार बोल दिया था, ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। और एक बात आप सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कला और विद्या की देवी माना गया है माँ सरस्वती को। और एक बात ध्यान रखिएगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद किस पर, किस जगह, कब हो जाए, इस बात की गारंटी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। जोरदार तालियां कल्याण जी भाई, आनंद भाई के। वापस आके बताऊंगा किस तरह शुरू हुआ
फिल्मी सफर कल्याण जी आनंद जी का। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।